hello students and welcome back to bankexamfruta.com my name is ramandeep singh and today we are going to do an important session for the ratio analysis so bank of baroda msme scale 3 exam uh, ye exam hunevala had 28th of january 2024, ko, right on that on sunday i guess yes on sunday the exam wala hai on 28th of january for that we are doing the ratio analysis ka chapter सो वेरी ईजी टॉपिक्स राइट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर क्वेश्चन आज इन द प्रीवियस पेपर इस तरह के क्वेश्चन सिमिलर एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक और एग्जैक्टली exactly ये वाले नहीं हैं कुछ सिमिलर हैं राइट सो माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टुडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर्स एंड बैंक ऑफ बरोडा एम एस एम ई स्केल थ्री फुल कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टुडे लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक हाई क्रेडिट रिस्क इज़ इंडिकेटेड बाई हाइयर वॉट प्लीज चेक चेक दिस हाई क्रेडिट रिस्क सबसे पहले क्रेडिट रिस्क क्या है सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट होने के चांसेज कब होते हैं वेन वेन बी डेट टू एबिट्टा रेशियो इज हाइएस्ट डेट टू एबिट्टा रेशियो इज इज़ हाइएस्ट डेट बहुत ज़्यादा है डेट जो है बहुत ज़्यादा है तो ऑबली इन कंपैरिजन टू अबिट्टा डेट जितना ज्यादा होगा डिफॉल्ट करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे राइट मान लीजिए इफ इज इज लेट्स से एंड डेट जो है दैट ओके दूसरे केस में अबिटा इज हंड्रेड करोर एंड डेट इज ऑल्सो हंड्रेड करोर जितना ज्यादा हाई हो रहा है आपका डेट टू अबिट्टा रेशियो उतना डिफॉल्ट करने का चांसेस ज्यादा रहेगा राइट right?

इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो जितना आपके पास पैसा आ रहा है डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो सो ये जितना हाई है दैट मींस जितना आपको ऑपरेशन से पैसा इकट्ठा हो रहा है राइट right? उससे आप कितनी बार जो है टोटल इंटरेस्ट पे कर सकते हो लोन्स का लट्स से बिट्टा जो है हंड्रेड करोड़ है और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस लट से दस है दस करोड़ है तो आप अच्छे से कवर कर पा रहे हो तो इससे क्रेडिट रिस्क नहीं बढ़ रहा ओके अदरवाइज अबिट्टा डिवाइडेड बाय डेट रेशियो दिस इज टोटली ऑपोजिट दिस इज टोटली ऑपोजिट बट हेयर द सिंपल इट इज डेट डिवाइडेड बाय अबिट्टा रेशियो डेट जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कंपेरिजन टू अबिट्टा आपका क्रेडिट uh, जो है रिस्क बढ़ जाएगा आपकी कंपनी का डिफॉल्ट करने का चांस बढ़ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर प्लीज नोट दैट अ हायर फंड फ्राम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डेट रेशियो एंड अबिट्टा डिवाइडेड बाई इंटर इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो इंडिकेट्स लोअर क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क उतना ही कम है आपके बिजनेस की कंडीशन अच्छी है अ हायर डेट टू अबिट्टा रेशियो मीन्स आपके बिजनेस की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट योर कंपनी कैन डू अ डिफॉल्ट जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी डिफॉल्ट की बढ़ जाएगी क्रेडिट रिस्क की बढ़ जाएगी

एंड फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ रेशियोज आर देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेशियोज आपको ये सारी रेशियोज़ का मतलब पता होना चाहिए ये क्या कह रही हैं इसका मतलब क्या है रेशियो का राइट डेट टू बिट्टा रेशियो का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इन द डिप्रीसी मोटाइजेशन इसका मतलब पता होना चाहिए बिट्टा अर्निंग बिफोर टैक्सेज अर्निंग आफ्टर टैक्सेज ये सारा आपको पता होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपेयर टू अदर फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड credit rating रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए ट्रिपल ए मीन best. बेस्ट शुड a लोअर what? क्या लोअर होना चाहिए उसका उसका डेट टू कैपिटल रेशियो सबसे कम होना चाहिए डेट टू कैपिटल रेशियो उसने डेट ऑफ टेन बी हैजेट ऑफ ट्वेंटी सी हैजेट ऑफ 30, राइट right?

इसकी बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है इस ये जो फॉर्म है इसके बैंक करप्ट होने के इसके डिफॉल्ट करने के चांसेस सबसे कम है बिकॉज इसका सिर्फ टेन का बाकी सब सिचुएशन सेम है बट डेट कम लिया हुआ है सो डेट टू कैपिटल रेशियो जिसका सबसे कम है वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा ओके विच रेशियो वुड अ कंपनी मोस्ट लाइकली टू मेजर लाइक ली टू यूज टू मेजर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशन शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशन देखनी है तो करंट रेशियो आप देखोगे करंट रेशियो देखोगे अगर आपको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन देखनी है पेबल्स टर्न ओवर रेशियो हाउ यू पे योर सप्लायर्स हाउ ऑफन यू पे योर सप्लायर्स आपका जो साइकिल है ऑपरेटिंग साइकिल है उसको देखने के लिए पेबल और रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियोज देखोगे आप अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कवर करने की कैपेसिटी क्या है आपके बिजनेस की अगर आपको ये चेक करना है देन देर आर सोल्वेंसी रेशियोज शॉर्ट टर्म के लिए करंट रेशियोज लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज करंट रेशियो एसेट टेस्ट रेशियो ऐसी कुछ रेशियोज़ है उसके बारे में जरूर ज़रूर पढ़ें राइट right? इन ऑर्डर टू असेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम लॉन्ग टर्म ऑब्लिकेशन के लिए आपको सोलवेंसी रेशियोज पढ़नी पड़ेंगी ये सारी की सारी रेशियोज मैंने ऑलरेडी कॉस्ट में कवर कर रखी हैं वेरियस सोल्वेंसी रेशियोज करंट रेशियोज सारी पढ़े हैं आप विद द फॉलोइंग रेशियोज वुड बी मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स लीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस पेपर एग्जैक्टली यही पेपर में आया था कौन सी रेशियो जो है Useful hoagie in determining company's ability to cover its lease and interest payments. What we are talking about? We are talking about fixed charge coverage ratio. Fixed charge is a financial uh, cover uh, financial ratio that measures how well a company can pay its fixed expenses, such as interest, lease payments from operating incomes, right? So कंपनी के पास कितना पैसा है अपने फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए नाउ गिव गिव अ लुक टू दिस चार्ट एनालिस्ट इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग बोथ एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड दिस इज पीरियड वन टू एंड थ्री तीन सालों का जो है दिया हुआ है सो डेज ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड पहले फोर्टी इन्वेंट्री होती थी फिर थर्टी टू uh, फिर थर्टी अभी कम इन्वेंट्री रखने लग गए हम अपने बिजनेस में डेज आउट स्टैंडिंग सेल्स आउट स्टैंडिंग ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी बढ़ रही है नंबर ऑफ डेज पेबल भी बढ़ रहे हैं वॉट यू कैन कंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज यू नो मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है आप कम स्टॉक रख रहे हो अपने वेयर हाउस में तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है कम स्टोरेज स्पेस यूज हो रही है तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है मैनेजमेंट ऑफ पेबल हैज हैूवड बट द मैनेजमेंट ऑफ रिसिवेबल में गड़बड़ चल रही है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है राइट सो इट इज़ नॉट क्लियर तो ये लीज लाइकली टू कंक्लूड है क्योंकि आपने जिससे पैसे लेने हैं पहले वो तेईस दिन में दे देता था फिर सेकेंड ईयर में पच्चीस दिन लगाता है और तीसरे साल में उसने अट्ठाईस दिन लगाने शुरू कर दिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे विथ समलिस सो लेट मी जस्ट हाइड माई फेस हेयर ओके An analyst is evaluating the solvency and liquidity of Apex manufacturing and has collected the following data. data equations. So financial year uh, 3, 4, and 5 mein total debt joh that is increasing. Total debt has increased, total equity has decreased. Okay. So the company is becoming less solvent. Uh, the company is actually becoming less solvent. <coughs> बिकॉज ऑफ राइज इन डेट एंड डिक्लाइन इन इक्विटी लिक्विडिटी का कुछ नहीं देख सकते यहां पर वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द सोल्वेंसी सो द कंपनी इज बिकम इंक्रीजिंगली बिकमिंग लेस सॉल्वेंट बिकॉज डेट बढ़ रहा है इक्विटी कम हो रही है वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर

कि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए खराब हो रही है राइट इट वाज 0.35 देन इट बिकम्स 0.422 देन इट बिकम्स 0.5 सो इट इज लेस सॉल्वेंट ओके सो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ बड़ोडा एमएसएमई स्केल थ्री मैनेजर कॉस इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम वे आर वी आर प्रोवाइडिंग इन डेप्थ वीडियो क्लासेज नोट्स एंड द टेस्ट सीरीज ऑल्सो पावर कैप्सूल्स आर अवेलेबल पूरे पावर कैप्सूल्स नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है कॉस में Link to join the course is available in the description. You can check the description. And that's all for today, students. I hope you liked today's session. List of our successful students who took our courses in the past and they cracked the respective exam recently. Uh, RRB scale 2, scale 3, mein yeh, sare students. Paas ho all these students they took our courses in the past and they cracked the respective exams, and I am really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. Link to join our courses is available in the description. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.